Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here that is the data from the prominent institution. एम प्रोवाइडिंग ऑल द डाटा विद इन दी फ्री अमाउंट हेयर कम अलॉन्ग विद मी एंड रीच अप टू दी जेनीथोपी कैरियर ओके फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्ट टूडे क्वेश्चन आई विल डिस्कस अबाउट द मोक टेस्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिलिमस एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन दूपीएससी एंड ऑल द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दी मनी ऐप मनी ऐप लॉन्च बाय दी आरबीआई आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च की उसके बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट है इट विल एड यह मदद करेगी विजुअली इंपेयर पर्सन इन आइडेंटिफाइंग द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट्स मतलब जो करेंसी कौन सा डिनोमिनेशन है एक रुपया दो रुपया या दस रुपये है तो ये हेल्प करेगी जो फिजिकली विजुअली इम्पेयर्ड है मतलब अपंग है जो जिनको अंधे हैं दिखता नहीं है एंड द सेकेंड वर्ड इज इन इट कैन आइडेंटिफाई काउंटर फीड करेंसी नोट्स काउंटर फीड मतलब जो नकली नोट है करेंसी नोट है उनको पहचान करेगी थर्ड है इट कैन वर्क इन ऑफलाइन मोड ये ऑफलाइन में मोड में काम करेगी मतलब नेट की जरूरत नहीं है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन सी है आर ने लॉन्च की है रिसेंटली ये एप्लीकेशन मानी मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर मानी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडिड मोबाइल हेल्प करता है नोट आइडेंटिफाइर नोट को आइडेंटिफाई करने में कितने रुपए का नोट है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है द मोबाइल एप्लीकेशन वुड हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट्स थ्रू एन ऑडियो नोटिफिकेशन देयर बाय फैसिलिटेटिंग देयर डे टू डे ट्रांजेक्शन फैसीट करेंगे तो डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं आदमी उनको बोल के बताएगा कि हाँ ये इतने करेंसी का नोट है सेकेंड स्टेटमेंट इन करेक्ट है द मनी ऐप कैन नॉट ऑथेंटिकेट ए करेंसी नोट एज बींग जेनवन और काउंटर फिट एज इट इज़ ओनली ए करेंसी आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन करंसी आइडेंटिफिकेशन करेगी नकली और असली आपका नोट ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है द मोबाइल एप्लीकेशन कैन वर्क इन ऑफलाइन ऑफलाइन मोड टू तो ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकती है तो यही पता है कि आपको कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो अच्छा बट फिर भी एक नॉलेज है आपको आपके प्ले स्टोर में मानी ऐप के नाम से आर ने लॉन्च किए जो आपको बताएगी मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड बंदे हैं उनको पता चलेगा कि ये ऐप कितने रुपए का नोट है ये उनको डे टू डे ट्रांजेक्शन में हेल्प मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रेफरेंस टू दी सिविल डिसोबिडियंट मोवमेंट कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिविल डिसबिडेंस मोवमेंट के बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट है काल का प्रसाद लेड बाई ए साल सत्याग्रह अलोंग द कोस्ट ऑफ द ओडिशा तो कालका प्रसाद जी जो नाम था इनका जो सत्याग्रही थे लेड ए साल सत्याग्रह अलंग दी कोस्ट ऑफ दी ओडिशा उड़ीसा की कोस्ट के नज़दीक नज़दीक इन्होंने क्या किया कालका प्रसाद नाम था सेकंड है सी बी राम कैंप्स वर सेटअप टू सर्व एज ए हेड क्वार्टर ऑफ द मोवमेंट इन दी आंध्रा रीजन सी बी राम कैंप्स हैं जो सेटअप किए गए थे आंध्रा रीजन में नो रेंट कैंपेन्स एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह वर द मेथड्स यूजिंग ड्यूरिंग दिस मोमेंट नो रेंट कैम्पेन्स मतलब किराया नहीं देना है या फॉरेस्ट से तय रहे हैं तो इसके मूवमेंट थे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन ए है बी है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बंधु चौधरी पॉपुलराइज द मूवमेंट इन ओडिशा लेट द साल गोपा बंधु चौधरी नाम था जिनका उड़ीसा में जिन्होंने लेड किया जो सत्याग्रह मूवमेंट का एंड साल सत्याग्रह एं कोस्ट एं का इन कोस्टल एरियाज ऑफ दिलासोर कटक एंड पूरी डिस्ट्रिक्ट कालका प्रसाद ए लोकल लीडर इन द राय बरेली प्रोमोटेड द नो रेंट कैंपेन तो कालका प्रसाद हमें याद रखना कि एक एमिनेंट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने बरेली में नो रेंट कैंपेन को बढ़ावा दिया था ना कि उन्होंने उड़ीसा में जो नज़दीक नज़दीक जाके कोस्ट पे साल सत्याग्रह के बारे में काम वो गोपाबंध चौधरी नाम था जिनका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है आंध्र रीजन डिस्ट्रिक्ट साल्ट मार्चेज वर ऑर्गेनाइज इन द ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी कृष्णा एंड गुंटूर गोदावरी के ईस्ट और वेस्ट में कृष्णा है या गुंटूर है नंबर ऑफ़ सी बी राम मिल्ट्री स्टाइल कैंप्स मिल्ट्री स्टाइल कैंप्स को सी बी राम बोलते हैं वर आर सेटअप टू सर्व एज द हेड हेडक्वाटर ऑफ द साल सत्याग्रह तो साल सत्याग्रह के क्वार्टर के रूप में इन्होंने एस्टैब्लिश किए कैंप को थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है द मैथर लाइक नो रेंट कैंपेन एंड फॉरेस्ट से टग है वर यूज ज्यूरिंग दिस सिविल डिसबीडियन मोमेंट नो रेंट कैंपेन है या सा फॉरेस्ट से टग है वर यूज ज्यूरिंग दिस सिविल डिसबीडियंट मोमेंट महाराष्ट्र कर्नाटक एंड सेंट्रल प्रोविंस सा डिफियांस ऑफ द फॉरेस्ट लॉ सच एज ग्रेजिंग एंड टिम्बर रेस्ट्रिक्शन मतलब अपने पशुओं को चराने का या टिम्बर जो वहाँ के बाँस बेम्बू का यूज करना उनको प्रोबिट किया उनको वायलेट किया उन रूल जो अंग्रेजों ने रूल लगा रखे थे पब्लिक सेल ऑफ़ द इलीगल इलीगली एक्वायर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन यूनाइटेड प्रोविंस नो रेंट कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज व्हेन ए कॉल वाज गिवन टू जमींदार टू रिफ्यूज पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट तो नो no रेंट है तो उन्होंने कर देने से मना कर दिया था ये यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यूनाइटेड प्रोवेंस जो आजकल यूपी बोलते हैं वो पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू दी कमेटी अपॉइंटेड बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946 पेयर्स दिए हुए हैं तो जैसे सीरियल नंबर है कमेटी है चेयरमैन कौन कौन थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन कौन थे जैसे यूनियन कॉन्स्टिटुएंट कमेटी क्या जवाहरलाल नेहरू उनके प्रेजिडेंट थे सेकेंड है यूनियन पावर कमेटी वल्लभ भाई पटेल थर्ड है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद फोर्थ है स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू और इस एक क्वेश्चन में ही आपके बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन बन चुके हैं तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड सी है सेकंड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो इसका आंसर डी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। इट इज इट कॉन्स्टिट्यूट ए नंबर ऑफ कमेटी टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसका काम किया गया था प्रयोग में लाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नियम बनाने के लिए तो उसको उन्नीस में बनाया गया था फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मैच है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप होती जवाहरलाल नेहरू जी तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने की थी वो यूनियन कमेटी उसके जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट थे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है यूनियन पावर कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटेड अंडर दी जवाहरलाल नेहरू नोट सरदार वल्लभ भाई पटेल पावर मिनिस्ट्री भी पावर जो है पावर कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर बनाई थी नौकी वल्लभ भाई पटेल जी के थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी अपॉइंटेड अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाइनेंस का या स्टाफ कमेटी का अपॉइंट किया था चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फोर्थ है स्टेट्स कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू स्टेट्स कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू जी के चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट इज सीड्स डू नॉट जर्मिनेट क्विकली इन दिस फॉरेस्ट बीज हैं जो अपने आप जर्मिनेट या जैसे उनको तो स्प्राउट्स उनमें अंकुरित नहीं होते हैं सेकेंड है जर्मिनेटेड सेपलिंग्स मेन नॉट सर्वाइव ड्यू टू तो इनसेफिशेंट लाइट जो मान लो आपने अंकुरित सेप्लिंग्स से प्योद बनाई हुई है उनके मेन नॉट सर्वाइव ड्यू टू तो इनसेफिसेंट लाइट वहाँ पे लाइट कम पड़ती है तो इसके लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड ओनली सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नो टू तो इसका करेक्ट आंसर सी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अक्कर इन द रीजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिकल ऑफ ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन के बीच में ट्रॉपिक्स एरिया बोलते हैं वेद द टेम्परेचर आर ऑलवेज हाई टेम्परेचर हाई रहता है रेन एक्सीड अबाउट वन फिफ्टी टू वन एटी टू टू फिफ्टी सेंटीमीटर पर एन एम दे आर वेल स्टेटिफाइड मतलब लेयर्स में रहते हैं विद लेयर्स कवर्ड विद दिसब्स एंड क्रीपर्स क्रीपर्स होते हैं जैसे लटाएँ होती हैं आपकी मान लटकने वाली बेल होती हैं विद स्ट्रक्चर ट्री फॉलोअ बाई दे टॉल वेराइटी देर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन एज सच दिज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल अराउंड पूरे साल ग्रीन <laughs> दिखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सीड्स डू नॉट जर्मिनेट क्विकली इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिस्पाइटिंग हैविंग सफिशिएंट रेनफॉल बिकॉज द सरफेस सर्फेसॉयल इज हैवली हैवलीज्ड रिजल्टिंग इन द न्यूट्रिएंट्स बीइंग वास्ड अवे बाय द रनिंग वाटर तो जो बारिश ज़्यादा होती है तो लीच वक्काई सी जम जाती है और या वो बह जाती है तो उससे वो जर्मिनेट नहीं होते हैं कोई भी बीज वहाँ पर गिरने से सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जर्मिनेटेड सेपलिंग्स मे नॉट सर्वाइव ड्यू टू इन लाइट बिकॉज ऑफ द डेंस कैनोपी इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो जो अंकुरित पौध हैं आपकी मे नॉट सर्वाइव ड्यू टू इन सफिशेंट लाइट कम आ पाती है क्योंकि गहना जंगल है बिकॉज ऑफ द डेंस कैनोपी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कैन ऊपर छत्तीस ही छत्तीस बन जाती है नीचे आपकी लाइट कमा पाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते विद रेफरेंस टू दोलर सिस्टम कौन सी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट सोलर सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट है टेरिटोर टेरिस्टेरियल प्लान्स हैव हायर डेंसिटी दैन द जोविन प्लान टेरिस्टेरियल मतलब जहाँ पे लैंड हो तो जोविन प्लानट से क्या ज़्यादा डेंसिटी होती है उनकी सेकेंड है जोविन प्लानट्स हैव ए थिनर एटमोस्फेयर दैन द टेरिस्टेरियल प्लान क्या उनका थिनर एटमोसफेयर होता है थर्ड वन एस्ट्रोए बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन जूपिटर एंड मास फोर्थ है कूपर बेल्ट इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नेपचून तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट थर्ड फोर्थ बी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो इसका सॉल्यूशन ए है आउट ऑफ एट प्लैनेट्स एट प्लैनेट्स कौन कौन से हैं मर्करी वीनस अर्थ मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट दे लाइव बिटवीन द सन एंड एस्ट्रॉयड बेल्ट तो इनको ही इनर प्लानट बोलते हैं जैसे मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स तो ये ऑस्टरे बेल्ट के इधर रहते हैं और सन के बीच में द अदर फोर प्लानट्स आर कॉल दी आउटर प्लान्स द फर्स्ट फोर प्लान्स आर कॉल दियस टेरिस्टेरियल प्लान्स एंड द रेस्ट कॉल दी जोविन प्लानट तो आठ में से चार जो आपके पास पास हैं मरकरी है वीनस है अर्थ है मार्स है, है इनको टेरिस्टेरियल प्लान बोलते हैं और बाद वालों को जोविन प्लानट बोलते हैं टेरिस्टेरियल मीन्स अर्थ लाइक टेरिस्टेरियन मतलब अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है ऑल टेरिस्टेरियस प्लान आर मेड ऑफ द रोक्स मेटल्स एंड दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी देन दोविन प्लानट तो यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होती इसलिए है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है अर्थ जैसी स्ट्रक्चर रहती है यहाँ पर रोक्स वगैरह चट्टान सेकेंड स्टेटमेंट इन करेक्ट है जोविन मीनस जूपीटर लाइक दे आर द गैस जियांट प्लानट्स गैस के प्लानेट हैं

फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है द क्यूपर बेल्ट क्यूपर बेल्ट इज ए सर सरकम स्टेलर डिस्क इन द आउटर सोलर सिस्टम क्यूपर बेल्ट क्या होती है सर्कम सर्कम स्टेलर डिस्क टाइप में होती है मान लो सरकम डिस्क टाइप में होती है इन आउटर सोलर सिस्टम एक्सटेंडेड बियड दी नेपच्चून नेपच्चून के बाहर रहती है इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल बॉडीज और रेमिनेट्स विच हैव एग्जिस्टेड सिंस द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म जब से मान लो हमारा सोलर सिस्टम बना उस टाइम के ही हैं मोस्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज लार्जली ऑफ द्रोजन वोटाइल टर्म आइस सच एज मिथेन अमोनिया एंड वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद रेफरेंस टू द ग्लोबल डिपोजिटरी रेसिप्ट जी डी आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फर्स्ट एट दे आर यूज बाय द कंपनी टू रेज फॉरन करेंसी फंड्स बाई इश्यूइंग इक्विटी सेयर्स इन द फॉरन कंट्री और फ्रेंड्स जैसे ये मोक टेस्ट है तो इसमें मिक्स जैसे क्वेश्चन पेपर आपका एग्जैक्ट आएगा ऐसे ही आएगा न्यूज़ से रिलेटेड के वे होंगे आपके इकोनॉमिक्स के होंगे जोग्रफी को पॉलिटिकल होगा रैंडमली क्वेश्चन आते हैं आपको पता है कि पोर्सन वाइज नहीं आते हैं तो इसलिए आपको ध्यान से अटैम्प्ट करना है ये पूरा ओवरऑल स्टडी है आपकी प्रीलियम्स के लिए विद रेफरेंस टू द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जी डी आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओर करेक्ट तो इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर यूज बाई द कंपनीज टू रेज फॉरन करेंसी फंड्स बाई यूजिंग इक्विटी शेयर्स इन ए फॉरिन कंट्री जैसे फॉरन कंट्री है तो उसमें इक्विटी शेयर्स को लेने के लिए है ये सेकेंड है दे इंक्रीज द शेयर होल्डर बेस ऑफ द कंपनी मतलब शेयर होल्डर बेस ज़्यादा बढ़ेगा क्या कंपनी है दे आर अनसिक्योर डिपॉजिटरी रिसिप्ट अनसिक्योर डिपॉजिटरी रिसिप्ट हैं क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है फर्स्ट एंड सेकेंड सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर डी है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्स इन इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच ए डोमेस्टिक कंपनी इश्यूज इट्स शेयर्स एंड कन्वर्टेबल बोन्स टू फॉरन इन्वेस्टर तो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट है इन विच डोमेस्टिक कंपनी इशू जो वहाँ पे लोकल कंपनी होती है इशू इट्स शेयर्स एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टू दी फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर से इन्वेस्टर आते हैं उनको द डोमेस्टिक कंपनी सेल इंटर इंटू एन एग्रीमेंट विद द फॉरन डिपॉजिटरी बैंक डोमेस्टिक कंपनी है इंटर करती है एग्रीमेंट में विद विद्री जो फॉरन का डिपोजिट बैंक है विद सेल इशू द शेयर ऑफ द रेजिडेंट बेस्ड ऑन दैट कंट्री तो वो फॉरन बैंक के कंट्री को शेयर इशू कर सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जी डी आर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिशिट्स इज ए टूल टू रेज फॉरन कैपिटल बाई इशूंग इक्विटी शेयर्स इन द फॉरन कंट्री तो मान लो यहाँ के हम इशू करेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा बाहर से इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू हारनेस द ग्लोबल इक्विटी मार्केट तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट को हारनेस करने का तरीका है इकट्ठा करने का सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है द ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक इशू शेयर्स टू फॉरन इन्वेस्टर विच इन टर्न इंक्रीज द शेयर होल्डर बेस ऑफ द कंपनी तो बेस बढ़ेगा शेयर होल्डर्स का थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है दे आर अनसिक्योर डिपोजिटरी एज दे आर नॉट बैक्ड बाई एनी असेट अदर देन वैल्यू ऑफ द शेयर सेल्ड इन दैट सर्टिफिकेट कोई भी बैक नहीं है अनसिक्योर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज और आर कवर्ड वाइल कैलकुलेटिंग मिनिमम स्पोर्ट प्राइस अंडर दू प्लस एफ एल मेथड फर्स्ट है ऑल पेड आउट एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय बाई फार्मर्स जैसे मान लो एम एस पी में जो है कैलकुलेटिंग मिनिमम स्पोर्ट प्राइज ए टू प्लस एफ एल मेथड यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होता है फर्स्ट है ऑल पेड एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय बाई फार्मर्स जो खर्चा मान लो किसान के द्वारा दिया गया सारा वही सेकेंड है एन इम्पोटिपोर्टिड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर मान लो घर के आदमी एज ए लेबर काम करते हैं तो उनका वैल्यू भी काउंट किया जाता second है सेकेंड है रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉर गोन ऑन ओन लैंड एंड फिक्सड कैपिटल एसेट्स तो मतलब आपके पास अगर ज़मीन ना होती तो किराया देते तो उसको भी काउंट किया जाता है क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है फर्स्ट एंड सेकेंड सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका सोल्यूशन बी है एम एस पी सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स नाइन सिक्सटी सेवन छियासठ सड़सठ में आता जब ग्रीन रिवोल्यूशन आ फॉर वीट इट वाज एक्सपेंडेड फर्दर एंड नाउ इज अनाउंस फॉर द्वेंटी थ्री कोस तेईस फसल के लिए मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर दी एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजिज द एम एस पी इज़ फिक्स टाइस ए ईयर साल में दो बार फिक्स किया जाता है सी एस सी पी कंसिडर ए टू प्लस एफ एल ए टू एक्चुअल प्लस फैमिली लेबर एक्चुअल कॉस्ट को और फैमिली लेबर को काउंट किया जाता है सी टू होता है कम्प्रेंसिव कॉस्ट वाई रिकमेंडिंग एम एस पी सी इनफोग्राफिक बिलो द डेफिनेशन तो इनफोग्राफिक दिया हुआ है और फ्रेंड्स मैंने ये इन जो टर्म हैं सी एस सी पी वगैरह या जो एम एस पी है इनका बहुत बार पहले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं अगर आप पहले की वीडियो नहीं देख, देखें तो आप पहले की वीडियो पर विजिट करें तो आपको सारी नॉलेज एक जगह पे मिल जाएगी एक प्लेटफॉर्म ये है कि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज मिलेगी और आपकी फुली प्रिपरेशन हो जाएगी विद इन दी फ्री अमाउंट आपको पे करने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट सब डाटा पेड दे रहे हैं और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब फ्री में प्रोवाइड होगा फर्स्ट एडमिट करेक्ट है ए टू प्लस एफ एल कोस्ट कवर ऑल पेड आउट एक्सपेंसिस बोथ इन कैश एंड काइंड इन कट बाय फार्मर्स ऑन सीड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर हायर लेबर फ्यूल एंड एरीगेशन तो यही है एक्चुअल कोस्ट प्लस में फैमिली लेबर का पैसा निकल निकलता है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है ए टू प्लस एफ एल आल्सो कवर्स इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली मैंबर वो भी फैमिली मैंबर को पैसा नहीं दिया जाता तो उसको भी काउंट किया जाता है इम्पोर्टेड वैल्यू इज़ एन अनज्यूम्ड वैल्यू गिवन टू एन आइटम वैन द एक्चुअल वैल्यू इज़ नॉट नोन और अवेलेबल तो इम्पोटिड वैल्यू किसको जैसे इम्पोर्टेड वैल्यू क्या होती है अगर वो एज्यूम की जाती है वैल्यू गिवन टू एन आइटम वैन द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन और अवेलेबल एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है द दम्प्रेंसिव सी टू कोस्ट अकाउंट फॉर द रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉर गोन ऑन दी ओन लैंड एंड फिक्स कैपिटल असट्स इज रिस्पेक्टिवली ऑन टॉप ऑफ ए टू प्लस नॉट इंक्लूडेड इन दू प्लस एफ एल मेथड तो मतलब एक्चुअल कॉस्ट और फैमिली लेबर में काउंट नहीं किया जाता है इसको कंप्रेंसिव जो अगर आप मान लो लैंड किसी की किराए पर लेते हो उस पर खेती करते हो किराया देना पड़ता है उसको काउंट नहीं किया जाता है एम एस पी के डिसाइड में और सी एस सी पी डिसाइड किया जाता है साल में दो बार एम एस पी डिसाइड किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द नॉन कऑपरेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन कॉपोरेशन मोवमेंट के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल मास सत्याग्रह लॉन्च बाय दी महात्मा गांधी ये क्या है फर्स्ट सत्याग्रह था लॉन्च बाय महात्मा गांधी सेकेंड है द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन वॉज अप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द नागपुर सेशन इन नाइनटीन टवेंटी उन्नीस सौ बीस में जो नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मोवमेंट को कांग्रेस ने अप्रूव किया था थर्ड है द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर्क ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द मोवमेंट प्रांत में जो कांग्रेस कमेटी ऑर्गेनाइज की गई थी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड सेकेंड बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है थर्ड ओनली एंड डी है फर्स्ट एंड थर्ड तो इसका आंसर सी है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है द रोलट सत्याग्रह लॉन्च बाई महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह एट ऑल इंडिया लेवल तो रोल एट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कि लॉन्च किया गया ऑल इंडिया लेवल पे था इट वाज लॉन्च ऑन दी अप्रैल सिक्स, 1919। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट आफ्टर ए सीरीज ऑफ द इवेंट्स इंक्लूडिंग द जलवलिया जलिया वाला बाग मासेर गांधी जी रियलाइज़ दैट देर वॉज नो पोस्पेक्ट ऑफ द गेटिंग एनी फेयर ट्रीटमेंट एट देंड्स ऑफ द ब्रिटिश सो ही प्लान टू विद्रॉ द नेशनल कोपरे फ्रॉम द ब्रिटिश गोरमेंट दस लॉन्चिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सेप्टेंबर नाइनटीन ट्वेंटी टू फरवरी नाइनटीन ट्वेंटी टू तो वही है कि जैसे मान लो फॉरेन गवर्नमेंट अपना कॉपरेशन लेना चाहती थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो उन्होंने रोल अटैक्ट भेजा जो कि किसी भी बंदे को जेल में डालने के लिए था या फिर प्रोटेस्ट किए तो उसमें जलियावाला बाग मैसेकर हो गया जनरल डायर ने गोलियां दगवा दी आदमियों पे जलिया जलंधर में देर बाय मैरिंग द क्या है इसमें उन्होंने फिर नॉन कोऑपरेशन मोवमेंट चालू कर दिया गांधी जी ने देर बाय मैरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ द कंट्री ये एडमिनिस्टेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको खत्म कर रहा था एट ए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एट ए स्पेशल सेशन इन द कलकत्ता सेप्टेम्बर नाइनटीन ट्वेंटी द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव ए नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग वर रिमूव एंड स्वराज वॉज इस्टैब्लिश खिलाफत आंदोलन निकल गया था या रिमूव हो गया था स्वराज भी निकल गया था एट नागपुर सेशन नाइनटीन ट्वेंटी दिसंबर में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन वॉज एंडोस्ड तो उसको क्या मोहर लगा दी गई थी एंडोस कर दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है वो वन ऑफ द रिमार्केबल स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द मोमेंट वाज नागपुर सेशन दिसंबर 1920 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सम इम्पोटेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वर मेड दैट इज ए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर वाज सेटअप टू लेट द कांग्रेस एक वर्किंग कमेटी बनाई गई पंद्रह आदमी की प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वर ऑर्गेनाइज लैंग्वेज के बेस पर प्रोविंशियल प्रांतों में भी नेशनल कांग्रेस की कमेटी बनाई गई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विथ रेफरेंस टू द टर्म डेमोक्रेटिक मैंशन इन द प्री एम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट संविधान की प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया उसके बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट है इट सिग्निफाइज ए टाइप ऑफ पॉलिटी बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रेन ऑफ द पॉपुलर सॉवरेनिटी तो इम्पोर्टेंस करता है क्या पोलिटी जो मान लो राजनीति बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ द पोपलर सोवी तो मतलब पॉपुलर होनी चाहिए सॉवरेनिटी अपनी संप्रभुता सेकेंड है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ दी डेमोकेसी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ दी डेमोक्रेसी है थर्ड है इट इंक्लूड सोशल डायमेंसन अलॉग इन दोलिटिकल डायमेंशन तो इंक्लूड करता है सोशल डायमेंशन को पोलिटिकल डायमेंशन से कोई सा, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है आप अपना आंसर माफ कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है फर्स्ट एंड थर्ड और सी है सेकेंड ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका सोल्यूशन बी है अकॉर्डिंग टू दी प्री एम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंडिया इज अ सोवरन तो यह हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स नेमली डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रातिया मीन्स रूल फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अकोर्डिंग टू दी प्री एम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पोलिटी सिग्नीफाइज ए पोलिटी बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ द पॉपुलर सोवरन की मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी होती है सम्पर्वता होनी चाहिए हमारे ऊपर किसी का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए हम ही संप्रभु हैं हम अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं दैट इज द इन दिस पॉलिटी द सुप्रीम पावर इज पोजेस्ड बाय द पीपल रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल मतलब मेन पावर आदमियों के पास है वही डेमोक्रेटिक है और ये इसका ही मतलब है सेकेंड स्टेटमेंट इन करेक्ट है इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर तो सुप्रीम पावर क्या है हाँ, वोटिंग राइट्स है अपने पास तो उसके लिए द्वारा इलेक्ट करते हैं दीज रिप्रेजेंट्स कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज इन ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल इन स्विट्जरलैंड यूजिंग डिवाइस सच एज द रेफरेंडम रिकॉल रिकॉलिटिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो वही है कि आदमी रेफरेंडम हो कि आदियों में वोट डले कि भाई ये लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो अपने पार्लियामेंट में बैठते हैं वही लोकसभा राज्य से भाग अपना ला बनाते हैं वही हमारा रिप्रेजेंटेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं लॉ फॉर्मेशन में इसलिए इंडिया इज ए इनडायरेक्ट डायरेक्ट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड स्विट्जरलैंड इज हैविंग डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी लाइक दे आर कंडक्टिंग रेफरेंडम रेफरेंडम मतलब बोर्ड डलवाते हैं कि भाई आप कोई ला बनना चाहिए नहीं बने रिकॉल है उसमें मान लो कोई भी ला गलत बन गया उसको रिकॉल करने के लिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है द प्रीएम्बल यूज द टर्म डेमोक्रेटिक इन द ब्रोडर सेंस जो प्रस्तावना है यूज टर्म करते डेमोक्रेटिक ब्रोडर सेंस में यूज किया गया है इनकेस्पलेटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन अलोंग द पॉलिटिकल डायमेंशन तो समाहित करते हैं सोशल को इकोनॉमिक को और पॉलिटिकल डायमेंशन को दिस वाज हाईलाइटेड बाय द डॉक्टर अंबेडकर इन हिज स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अकॉर्डिंग टू हिम सोशल डेमोक्रेसी लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ द पोलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी इन ए वे ऑफ द लाइफ दैट रिकोगनाइज द प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी इक्वेल्टी एंड फ्रेटर्निटी दिस प्रिंसिपल आर टू बी ट्रीट एज यूनिट नॉट टू बी नॉन एज दिस सेपरेटली तो लिबर्टी आपको फ्रीडम होनी चाहिए लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी भाईचारा होना चाहिए तो so, ये चीज़ें सेपरेटली नहीं देखनी है सबको एक देखना क्योंकि प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकते बाकी अमेंडमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये उन्नीस सौ छिहत्तर में जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हमारे इंदिरा गांधी जी ने चेंज किए थे बहुत सारे तो उसके बाद क्या इसको ऐड कर दिया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते तो ये तीनों चीज टर्म है जो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रीटी इनको साथ में ही देखना अलग नहीं, नहीं करना अभी बहुत सारे केसेस में इंटरप्रिटेशन करने में अपना सुप्रीम कोर्ट इसकी हेल्प लेता है प्रीएम्बल की नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कंसिडी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज एस्टैब्लिश अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 मतलब एयर के उसमें संदर्भ में बना हुआ है क्या ये सेकेंड है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर एम्पावर्ड टू क्लोज ए डिफ़ॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट तो इनको क्या अगर इंडस्ट्रियल प्लांट कोई डिफॉल्ट कर रहा है गड़बड़ कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए पावर है क्या है इनके पास थर्ड है द वाटर सेस एक्ट सेस और सरचार्ज के बारे में मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बहुत बार बताया तो आप नींद देखा तो वहाँ जाके देखो हैज़ बिन पॉस जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्स टू मेक द एक्सपेंसिज ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो जो सेस क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जैसे एजुकेशन सेस है तो एजुकेशन के लिए ही यूज किया जाएगा वो पैसा तो वाटर सेस क्या है पास टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्स टू मेक द एक्सपेंसिज ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट के बोर्ड के लिए खर्चा लिया जाता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है फर्स्ट एंड सेकेंड सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन सी है सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है स्टेटमेंट वन इन करेक्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी पी सी बी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर एस्टैब्लिश अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर तो उन्नीस सौ चौहत्तर में आप इससे याद रखते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ही ये बना था द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्शन ये उन्नीस के पास तो राजीव गांधी जी आ गए थे एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड एंड द स्टेट पॉल्यूशन मतलब उसने अथॉरिटी को एक्सटेंड किया है जो उन्नीस में रूल आया बट एस्टेब्लिश किया गया था उन्नीस के ला के द्वारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है द एक्ट द एटी अमेंडमेंट इन द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटी एक्ट एम्पावर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू क्लोज ए डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट कोई प्लांट दिक्कत कर रहा है तो उसको बंद करो पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहा है प्रायर टू दमेंडमेंट इन्फोर्समेंट अंडर द एक्ट वाज डन थ्रू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन बाई देंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड पहले क्रिमिनल चार्जेज लगते थे बट अब इनके पास पावर है बंद कर सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है द वाटर सेस एक्ट नाइनटीन हैज़ बीन पास टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्स टू मेक द एक्सपेंसिज तो उन्नीस सौ सतहत्तर में रूल आया था कि जो सेस है वाटर मैनेजमेंट का तो लगा सकते हैं इट क्रिएट्स इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड हैंस रिक्वायर्स लोकल अथॉरिटीज एंड सम डेजिग्नेटेड इंडस्ट्री टू पे अ सेस फॉर दाटर एफुलेंट इस चार्ज मान लो कोई टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है आपका पानी में अपना एफुलेंट या गंदा डालते हैं तो उनके लिए सेस लगेगा वाटर सेस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चन एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो मंग यूर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड एंड फ्रेंड्स आप फुली प्रिपेयर हो जाओ अब क्या है आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है डेली पढ़ाई करो डेली वीडियो देखो जिससे क्या आपके फुल और यू पी सी प्रीलियम्स का तो बस एक फंड आया कि आप जितने से ज़्यादा मोक टेस्ट दोगे जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ यूज़ करोगे रिवाइज करते जाओगे अगेन अगेन आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय